हरियाणा विधानसभा चुनाव इस बार बाइपोलर चुनाव है, जहां पे कांग्रेस बनाम भाजपा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं दान सिंह जी, उनसे से बात करते हैं। ये बताइए, हुड्डा के करीबी बताए जाते हैं, शैलजा जी भी इस बार बोल रही है, तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन एक अंदरूनी लड़ाई है। एक बड़ा फैक्टर हमेशा से रहा है जब कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस वर्सेज बीजेपी तो लोग कहते हैं, बट कांग्रेस वर्सेज कांग्रेस हर स्टेट में होता है, हरियाणा इंक्लूडेड। देखिए, ऐसा होता है, हमारे विचारों में भिन्नता हो सकती है लेकिन मन में भेद नहीं है। जहाँ तक बात आती है सरकार में और संगठन में, जब संगठन चलाया जाता है तो संगठन के अंदर जो आदमी जिस तरह से उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसके अंदर जो अपनी व्यवस्थाएं होती हैं, उसके आधार पर कुछ लोग कह देते हैं कि ये इस तरह का है, लेकिन मैं समझता हूँ हमारा संगठन एक है और एकता का परिचय पूरे प्रदेश के इस आज के इलेक्शन में भी दिखने लग रहा है। कोई भेदभाव नहीं है। ये आप और बताइए कि जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जैसे भाजपा में किसी को टिकट नहीं मिली, ऑफिशियल कैंडिडेट के सामने खड़े हैं, किस तरह से देखते हैं उनकी लड़ाई? देखिए, वो लड़ाई तो उनकी पार्टी की थी, उनको जो उचित लगा उनको उन्होंने दिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने कई तरह की इस तरह की बातें की हैं कि कई सीनियर को उन्होंने इग्नोर कर दिया गया है, कहीं पर आज ही कोई आदमी आया पार्टी में शामिल है, उसको टिकट दे दिया गया है। उससे एक मायूसी भाजपा के अंदर देखने के लिए मिल रही है कि भाई इनके टिकट बांटने का जो सिस्टम है वो अलग तरीके का है, उनमें से एक व्यक्ति ने तो अपनी टिकट ही वापस कर ली, तो ये इस बात का प्रतीक है हरियाणा के अंदर 100% कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। सीएम कौन बनेंगे? सीएम तो कांग्रेस का बनेगा। नहीं तो आपने नाम नहीं दिया ना। नाम तो हमारे पहले तो देखिए हाईकमांड डिसाइड करती है, उसके बाद में विधायक डिसाइड करते हैं। हम जो चाहते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को। तो पहले क्यों नहीं बोला? मैं बोल रहा हूँ आपको। अच्छा, कई लोग ऐसा, क्योंकि कुमारी शैलजा का भी नाम आ रहा है, खुद भी अपना वो बोल रही हैं कि वो करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका नाम नहीं है ना घोषित हुआ। देखो ऐसा है, मतलब सीएम बनने की हर आदमी की एक अपेक्षा रहती है, आपको भी है। देखिए ऐसा है, मैं नहीं कहता आज की कोई बात, मैंने हाईकमांड के ऊपर विश्वास रखते हैं, मैं समझता हूँ जो हाईकमांड फैसला करेगी वो बिल्कुल उचित करेगी। अच्छा, ये बताइए कि मुद्दा कौन सा बड़ा मुद्दा है? हम लोग अभी जा रहे थे तो अग्निवीर, सबसे बड़ा बेरोजगारी, उसके बाद महंगाई, फिर कानून व्यवस्था, और उसके बाद में इस क्षेत्र का विकास। बहुत कहा उन्होंने सबका साथ सबका विकास, और आप देखेंगे पिछले 10 साल के अंदर इन्होंने एक ईंट लगा करके नहीं दिया हमें। आज पूरे गाँव का देखो, शहर के अंदर से आप देख लें क्या रास्ते हैं, उन रास्तों से आपको पता। अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, जो एक बड़ा तबका है, खासतौर पर रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, बाकी इलाकों में आता था। अब कम लोग जा रहे हैं, तो किस तरह से आप देखते हैं कि अग्निवीर का कितना इम्पैक्ट होगा इस चुनाव? बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। देखिए, इस इलाके की भूमिका रही है किसान और जवान की, जमीन हमारे पास छोटी है, ले दे करके ये रहता था कि अपनी फिजिकल एक्सरसाइज करके अब 200-200 बच्चे रोड दौड़ते नजर आते थे, अब आपको कोई नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो कहते हैं 4 साल के लिए हम फौज में नहीं जाएंगे, और 4 साल में भी आपको 75% को रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये जो इन्होंने प्रक्रिया चलाई अग्निवीर की, उससे इस फौज की जो पक्की भर्ती होती थी उसको भी इन्होंने मान लिया कि 4 साल की कच्ची भर्ती है, और यही एक मायूसी का कारण है। और जो 18 साल का बच्चा भर्ती हो गया वो 22 साल में वापस आ जाएगा, तो आप मुझे बताइए उसके बाद उसका भविष्य क्या है? न उसकी जॉब सिक्योरिटी है, न उसकी कोई पेंशन है, न ही उसको आगे आने वाले सरकार के अंदर किसी तरह की सिक्योरिटी है। तो आप मुझे बताइए फिर क्या करेगा वो जो नौजवान बच्चा जो अग्निवीर में भर्ती हुआ है? उससे मायूसी में जाके या तो वो नशे में जाएगा या अपराध में जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इस नीति से कुछ फ़ायदा होने वाला है, और हम तो इस बात के विरोध में हैं कि उस सरकार को उसी तरह की भर्तियाँ करनी चाहिए। उसमें कोई सुधार करना चाहते हैं वो तो उचित है, लेकिन अग्निवीर आज की तारीख में मैं समझता हूँ किसी भी नौजवान को इस बात का अच्छा महसूस नहीं हो रहा। एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, और वो ये है कि अरविंद केजरीवाल है, जिस तरह से अब वो कह रहे हैं कि पहले तो आप लोगों का टाई अप ही नहीं हो पाया, पहले कहते रहे कि भाई हम साथ साथ हैं, फिर साथ ही नहीं हो पाया, अब जिस तरह से वो बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे, क्या क्या कहना है इसका? वो देखिए, उनकी व्यक्तिगत इच्छा है और व्यक्तिगत फैसला है। हमारे साथ हमने फैसला किया था पार्लियामेंट में 9-1 का, लेकिन असेंबली के अंदर मैं समझता हूँ हरियाणा के अंदर आज तक कभी कांग्रेस के ने किसी का, जब से हरियाणा बना है 1966 से, हमने किसी से अलायंस नहीं किया। तो अब ने पीछे का एक्सपीरियंस था वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बहुत अनुभव वाला नहीं रहा होगा, तो इसलिए मांग रहे थे। कांग्रेस की एक बात है, आम आदमी पार्टी के लिए कितना आप देखते हैं स्कोप है हरियाणा?
कितनी टिकटें निकालेंगे? मैं नहीं समझता कोई बहुत ज्यादा स्कोप है हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस का, कांग्रेस का 90 में से मुझे नहीं लगता ओपनिंग भी नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कोई ओपनिंग होगी। कांग्रेस का है यहाँ सिर्फ माहौल, कांग्रेस का, भाजपा बहुत नीचे चली जाएगी। ठीक है, हम सुधान सिंह बात कर रहे थे सीधा, और खास तौर पे देखिए इस बार जो बाइपोलर लड़ाई है खास तौर पे उस पर एक तो नजर रहेगी, लेकिन NLO है और उसके बाद हम बात करें JJP है, आम आदमी पार्टी है, तो इन लोगों का भी स्टेक है, लेकिन लड़ाई इस बार तगड़ी है। कैमरा पर्सन चांदीराम के साथ कमलजीत संधू, महेंद्रगढ़, आज तक।